भाई अरशद से बात करा मेरी। बोल रहा हूँ भाई। बोल रहा हूँ, मेरी गाड़ी आई थी वहाँ, तूने गाड़ी यहाँ पे ठीक करके भेजी है। क्या बवाल किया भाई तूने इसमें? क्या कर दिया भाई साहब? मेरे से बहस मत करे। ये जो आप, अरे मेरी गाड़ी का मेरी बात सुन ले, मुझे गुस्सा मत दिला। अगर एक इशारा किया ना तेरी दुकान बंद हो जाएगी। गाड़ी में क्या किया तूने? अब ठीक ना कर रहे हैं, जो उखाड़ मिले उखाड़ लो। तमीज से बात कर, मैं बता रहा हूँ बहुत महंगा पड़ जाएगा। कौन बोल रहा है? धीरपाल सिंह बोल रहा हूँ, पुलिस महकमे की गाड़ी आई थी तेरे पास, मेरी गाड़ी है। साजिश, आप बात क्या हुई बताइए तो। मेरी गाड़ी का रेडियो क्यों नहीं चल रहा? रेडियो सारा हमसे करके मिले भाई। बात ऐसी है, मैं गाड़ी में अभी बैठा हूँ, मैंने इग्निशन भी नहीं मारा, लेकिन मेरा रेडियो काम नहीं कर रहा, और बिना गाने के बिना रेडियो के मैं गाड़ी चलाता नहीं। अब बोल तो साहब, बताओ फिर मैं क्या करूँ? गाना सुना चल। इग्निशन मारूंगा, गाने चलने चाहिए, बता रहा हूँ। अगर गाने रुक गए ना मेरा हो जाए दिमाग खराब। सर मैं अपनी गाड़ी भेज दूँ? अरे बकवास मत करे, बताओ। धीरपाल या के लगा भाई, तू देखो मैसेज या ना सुना रहा, एक काम कर, या की दुकान के पेपर निकाल। अरे छापा मरवा, छापा मरवा अभी। अरे मैं सुना रहा हूँ। कौन सा सुनाऊं? रेडियो पूछे कौन सा सुनाऊं? वो सब सुना, गाड़ी चल गई, गाड़ी चल गई। बेदर्दी बाल मैं तुझको, पुराना गाना काय करो है, दूसरा वाला चला नया। सदबीर ये तो गाना चला। मेरा प्यार पार पार हुक्का बार बार बार, मेरा पार पार बार। अरशद? हाँ जी सर जी। अरशद रेडियो में सीधे नवेद बोल रहा हूँ। हेलो, ये गुड्डू बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ। मेरे को ये जान के बड़ी खुशी हुई, मुझे पता चला आपने फॉर्म भरा था पुलिस में आने के लिए और पुलिस की नौकरी करना चाहते हैं। गुड्डू मैं आपसे ये चाहता हूँ, एक सीनियर होने के नाते, कि क्या वो वजह हो सकती हैं कि हम आपको पुलिस में रखें? आप कौन बोल रहे हैं? हमारे ही ऑफिस में आपके फॉर्म्स आते हैं। फॉर्म तो हम भरे थे। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद। मुझे मतलब अपने बारे में थोड़ा बताइए, आपने ये अपनी ख्वाहिश रखी है कि आप पुलिस की नौकरी करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, क्या वजह हो सकती है कि आपको पुलिस की नौकरी हम यहाँ से दें? पुलिस का हम करना चाहते हैं, समाज में बहुत करप्शन बढ़ गया है और मैं इस भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहता हूँ, और हम किसी से नहीं डरता हूँ, हम वो तूफान हूँ जो किसी भी आंधी से लड़ जाता हूँ। और सर सुनिए हमारा बात, हम एक ऐसा बिजली हूँ जो दुश्मन पे गिरेगा और उसको भस्म कर देगा पूरा। चांस दे दीजिए, एगो मौका दीजिए, कोई भी सलाह सामने आएगा, किसी को नहीं बख्शेंगे, सबको एकदम पीट पीट के सुधार दूंगा। मेरे को बड़ी खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। सुनिए मेरा बात। जय हिंद। जय हिंद। आपको और अपने बारे में बताता हूँ, हम कहीं भी जाता हूँ तो सबको ऐसा बहादुरी का ऐसा काम करूंगा। और सुनिए हमारा सर, हम अपना जब गाँव में था, इस छुटपुटैया जितना सब गुंडा था सबको भीतर ठूस देता था, सबको मार मार के सुधार दिया हूँ, लेकिन जब अपना पर आ जाता हूँ तो अच्छे से अच्छा गुंडा पानी मांगता है मेरा सामने। सर आप हमारा फॉर्म में हाइट और फिजी का फोटो भी देखे होंगे, कितना सॉलिड और बढ़िया है। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है सर। आप हमको एक गो चांस, बस एक बार हमको सर, उसके बाद देखिए ये जवान आप भी कहेंगे किसको हमने चुना के पूरा भारत में ऐसा पुलिस नाम करेगा, सारा प्रशासन ठीक कर देगा एकदम। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप पुलिस में ही नौकरी करना चाहते हैं और यहीं बैठ के आप सेवा करना चाहते हैं, पुलिस की नौकरी करेंगे आप? जी सर, हम सेवा करना चाहता हूँ और सबको सुधार के रख दूंगा, हमारे अंदर वो चीज है सर। आप हमको एक चांस दे दो फिर देखो सर। नहीं, ये पक्की बात है कि आप करना चाहते हैं? जी सर, पुलिस की नौकरी। नहीं, मेरी बात सुनिए गुड्डू, मेरी बात सुनिए, आप जब इतने दिल लगा के करना चाहते हैं तो आप इनकी वाइफ हैं, आप भी फोन लाइन पे मेरे साथ हैं, क्यों आप बार बार जिद कर रही हैं कि इनको दुबई जाना है? क्यों आप इनके पीछे पड़े हुई हैं कि दुबई चलो, दुबई चलो, वही नौकरी करेंगे, वही रहेंगे? क्यों? हाँ, हमारा दिल कर रहा है दुबई जाने का। ए जी बोलते काहे नहीं है? दुबई जाना है तो जाना है, अब बोल दिए ना, आप समझ जाइएगा हमको जाना है। तुम हो लाइन पे? अभी देखो दुबई वाला जो अभी पासपोर्ट वगैरह भरे हैं, फ्लाइट वो जब तक अभी नहीं होगा तब तक तो अपना यह पुलिस वाला काम कर लेंगे, तब यही सोचे हम। अगर तुम कह रही हो, जिद कर रही हो तो तुम जैसा कहोगी तो चल देंगे, दुबई चल देंगे, फिर पुलिस वाला फिर देखा जाएगा बाद में पुलिस वाला। और सर आपसे हम बाद में आराम से अकेला में बात करेंगे। हेलो मैडम, मैं आपकी सोसाइटी में ही हूँ, यहाँ बैठा हुआ हूँ, इनके सोसाइटी प्रेसिडेंट के जो ऑफिस है। कल रात आपकी सोसाइटी में चोरी हुई है, तो हम सबसे ये पूछताछ कर रहे हैं, क्योंकि देखिए आपकी सोसाइटी की बात है,
आपकी सोसाइटी की बात है, इसमें पूछताछ करनी जरूरी है। आपको क्या आवाज से और शक्ल से मैं चोर दिखती हूं? मैडम मैं एक बात बताऊं, ये सुनने के लिए मैंने फोन नहीं किया आपको, मैं तमीज से आपसे बात कर रहा हूं कि तमीज से, और आपसे ही नहीं पूछ रहे, सोसाइटी के जितने मेंबर्स हैं, जितने फ्लैट्स हैं, सबके घर पूछ रहे हैं फोन करके। मैं जान सकता हूं आपके कल का क्या शेड्यूल है, आप ऐसे बता सकते हैं या आपके घर पहुंच के हम पेपर भेजे जब बताएंगे आप? सॉरी मैं बताती हूँ। आप बताइए कल का क्या शेड्यूल था? मैं इतना ऑनेस्टली आपको बता रही हूँ, आप किसी से भी पता कर सकते हैं। मैं सुबह अपनी बुआ के साथ उनके घुटनों में इंजेक्शन लगवाने हॉस्पिटल गई थी। मेरी बुआ को जोड़ों का और घुटनों में बहुत पेन रहता है। आप वापस कब आए? वापस आते वक्त मुझे 11:30 हो गए थे, वहाँ लाइन में लगे लगे गर्मी में इतने पसीने आए। 11:30 के बाद आपने क्या किया मेरे को ये बताइए? 11:30 मैंने ऊपर जाके टंकी साफ की, बहुत दिनों से नाली में पानी नहीं आ रहा सही से और ऊपर इतनी काई जम गई थी छत पर। उसके बाद क्या किया आपने? उसके बाद घर पे मेड नहीं आई थी तो फिर मुझे सारा काम करा मैंने इसलिए, और मेरा पेट भी बड़े दिनों से खराब तो इसलिए फिर मैंने खिचड़ी बनाई और वो खाई। उसके बाद 5 बजे मैं सत्संग जाने के लिए निकली थी। कितने बजे वापस आए आप सत्संग से? सत्संग से मैं घर वापस ही नहीं आई। फिर कहाँ गए आप? कहाँ गए आप? मैं सत्संग के बाद वहीं से बुआ के घर चली गई। बुआ के घर आप कब तक रहे? बुआ जी के घर मैं रही होंगी 8 बजे तक। 8 बजे के बाद आपने क्या किया मेरे को जल्दी जल्दी बताइए, मेरे को रिपोर्ट बनानी है। 8 बजे के बाद मैंने घर आके खिचड़ी खाई और उसके बाद मैं सोने की तैयारी करने लगी। ये किया आपने सोनिया जी? हाँ हाँ। हेलो हेलो। अकॉर्डिंग टू योर फेसबुक अपडेट मैं आपको बताता हूँ, 11:30 का आपका अपडेट है, हैंगिंग अराउंड विद फ्रेंड्स एट माय बार, समझ गए आप? आपके इंस्टा को हमने देखा है। उसके बाद आपका 5:30 का अपडेट है, एट IGI टर्मिनल 3 गोइंग टू पेरिस। 7:30 शाम में आपने इंस्टा पे फोटो डाला है, #LoveForItalianFood लव फॉर इटालियन फूड। 8:30 आपका अपडेट मैं यहां पे देख रहा हूं, फीलिंग क्रेजी एट पब। क्या बताएं अब पुलिस वाले क्या बताएं, ये सोशल मीडिया है। हेलो 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 हेलो। हाँ जी। कहाँ गए थे? T3 एयरपोर्ट, कौन सी फ्लाइट थी? कोई फ्लाइट नहीं थी, वो तो बस चिढ़ाने के लिए। किसको चिढ़ाने के लिए? मेरी फ्रेंड दिव्या को। दिव्या को चिढ़ाने के लिए? हाँ। जब सोशल मीडिया पे आप इतनी बातें लिख रहे हो हैं, जो कि है नहीं है आप में, आप फंस गए, तो आपको सोशल मीडिया पे ये पता होना चाहिए ना, सोशल मीडिया का पुलिस वाला जो है वो नवेद है। एक तो बड़े दिनों बाद आए हैं, ऊपर से आज सीख बहुत कुछ लिया। आई एम सॉरी, गलती से लिखा था। कोई बात नहीं, ख्याल रखिए अपना। हेलो भैया, काय से मेरी बात कराओ भाई। आकाश बोल रहा हूँ। थाने का SHO बोल रहा हूँ। हाँ सर, आपका स्कूटर चोरी हुआ तो बताया था, स्कूटर चोरी हुआ है। आपने कंप्लेंट भी लिखवाई थी स्कूटर की? सर मैं 2 बार लिखवाई है। आपकी कंप्लेंट में लिखा हुआ है कि स्कूटर ले जाने वाले की आप शिनाख्त भी कर सकते हो, आपने शायद रात में ले जाते हुए देखा था उसे। रात में मेरा क्या था, स्कूटर मेरा एक्चुअली खराब था। वो मतलब ऐसे बंदे हैं, उनको मतलब नॉलेज भी है स्कूटर की ठीक ठाक कैसे करते हैं, क्योंकि वो ठीक करके फिर चला के ले गए हैं। अच्छा। और जैसे ही वो मोड़ पे टक्कर पे आके मुड़े हैं, शक्ल मुझे हल्का फुल्का हुलिया याद है चलाने वाले का। ये 7 आदमी पकड़े हैं, हम शिनाख्त करनी है आपको, ठीक है? होल्ड करना आप। स्कूटर मिल गया इनके पास से। ज्यादा मत बोलो, ये शिनाख्त करना, मैं अभी बुला रहा हूँ एक एक करके, ठीक है? तो मैं वहाँ आऊँ? इतना टाइम नहीं है यार, आप ज्यादा बोलते क्यों हो? आप मेरे को ये क्यों बता रहे हो कि भाई मैं वहाँ आऊँ या आप वहाँ पे आओ? नहीं, मेरे को प्रोसीजर जो है वो काम करने दोगे क्या आप? नहीं सर, ठीक है सर, कर लो गल। अरे दिलपाल, सबके मुंह बंद करके ला, 7 को इनके पीछे दे और लाठ को इधर। हाँ आकाश, इनकी शिनाख्त करो, पहले वाले को इधर ला, बंद रहे। सर मैं फोन पे कैसे कर लूंगा शिनाख्त? ये था इधर खिला, सीधा खड़ा। ये था क्या उसमें? मतलब क्या, कैसे करूं मैं? क्या तेरे को वहां आके खाना भी खिलाऊं, मैं सिखाऊं? तेरे को शिनाख्त करनी है कर, और नहीं कर रहा इनमें से एक भी बेकसूर निकलता है ना, उल्टा केस पड़ जाएगा। स्कूटर तो स्कूटर, अंदर जाएगा सीधा तहाड़ में। इसकी फाइल बंद कर, इससे ना हो रहा कुछ भी। सर 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 सर, फाइल बंद कर दे, और स्कूटर मिला सारे बाहर लगा दिए। हेलो सर। हाँ करा दो, जो कर, जो कराना करा दो। स्कूटर मिला, पहले वाले को ला इधर, सीधा खड़ा। ये था भाई आकाश,
ये नहीं है। दूसरे वाले को ला जूता मार के यहाँ पे ला चोरी करते फिरे, ये था सीधा खड़ा हो जा, सीधा खड़ा हो, सीधा खड़ो। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। रुक जा, इधर ला, इधर ला, इधर इधर आगे चल, आगे चल, आगे चल, आगे चल, फोन के पास चल, फोन के पास चल। हाँ भैया, क्या जिसको देखिए था क्या? एक बार बुलवा लो इससे, फिर से बुलवा भाई। इनके मुंह बंद कर रखे, हमारे ऊपर मुंह खोलने की परमिशन नहीं है। करा दो इससे जो ये कर रहा था अभी। इधर अभी आगे आगे चल, आगे चल, आगे। ऐसे सोच रहा हूँ कि उसकी शक्ल ऐसी थी ना, तो उसकी आवाज कैसी होगी, तो मैं ऐसे आपको बता रहा हूँ एंटिसिपेट कर। ये आप इनसे एक बार इनके घरों की जहाँ भी ये रहते हैं वहाँ सातों की तलाशी ले लो, जहाँ स्कूटर मिल जाए वही होगा चोर, ऐसा कर लो। दीपाल इसका फोन काट दे, हमें समझा रहा कैसे करनी कार्रवाई। एक बात बताऊं, वहीं पे आके ना माफी चाहता हूं, नहीं तो माफी भाई, जो काम है वो करने दे, बाद में अपनी अकल लड़ियो। इसको पहचान, इसको पहचान। अरे इधर तू आ गया। हाँ जी सर, बताइए। यही है ये सर, ये जो बोला है यही है, यही है, यही बोल भैया, आगे बोला है। मेरा दिमाग तो खराब ना हो गया, ये हमारा सीनियर कांस्टेबल है, इसको कह रहा है यहीं से इतने जूते पड़वाऊंगा ना, मैं बता रहा हूँ तुझे। इसको कह रहा तू यही है आवाज उसकी? सर मैं हुलिये से आवाज इमेजिन कर रहा हूँ अब मैं आपको। सर ये हमारा कांस्टेबल है, इसको कह रहा है यही है। ठीक है सर, मुझे लगा इससे पहले वाले की सुना दोगे। दूसरे वाले पे शक है सर, मेरे को लग रहा है ऐसा, क्योंकि बाकी तो लग नहीं रहा। इधर तू आ गया, इधर इधर सीधा खड़ा, रुक जा यहीं पे, रुक जा फोन के पास, रुक फोन के पास। हाँ यही लग रहा है, यही होगा सर। कद बता देंगे इसका, अंदाजा अंदाजा हाइट बता एक बार आप कृपया करके बता देंगे। पीछे से होंगे, पीछे से घूमे होंगे बाल, पीछे से गुद्दी पे घूमे होंगे। हेलो गुद्दी। आकाश में रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा मुर्गा बन गया बेटा, तुमने शनाख्त कैसे कर ली? भाई उसको पेड़े वाले को तुम्हारा लेके आया, ये शनाख्त सही से कर रहा। इधर भैया सीधा भाई, सही मजे ले लिए तुमने तो कुकड़ू। हेलो कौशिक, हाय मैं मनोज का कजिन बोल रहा हूँ, मैं मासी का लड़का हूँ बड़ा। बोलिए कौशिक, ये बताएंगे मनोज के साथ अभी आप दो तीन दिन पहले कहीं बाइक वाइक पे गए थे क्या? मेरे ख्याल से मेरे को थोड़ी टेंशन में लग रहा है, कहीं बाइक वाइक पे गए थे? वो एक्चुअली एक रेड लाइट पार कर दी थी हमने। मनोज थोड़ा ना डरा हुआ है, उसने मेरे से कहा है, अभी भी बात करने की हिम्मत नहीं कर रहा। परेशान हो गया, समझा के मनोज को कि कुछ नहीं होगा यार, मैं हूँ यहाँ पे, मैं ऐसे टर्न कितने पार करता रहता हूँ हमेशा। नहीं वो ये कह रहा है कहीं ऐसा ना हो कल को पुलिस वारंट निकाल दे या कोई जेल वेल हो जाए। जानता हूँ यार, मैंने मर्डर किया गया, उसने सिर्फ रेड लाइट बार किए, पास में चलाना दे। कह रहा था कोई चक्कर वक्कर तो नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि बेचारे तो घबरा बहुत रहा है यार। दिल्ली का सब कुछ जानता हूँ, जक मार रहा हूँ बैठ गए यहाँ पे, भाई है तो किसी को परेशान हो रहा है। नहीं नहीं वो मसला पुलिस वालों का है ना, वो भी डर रहा है, डर भी ठीक है। पुलिस वाले क्या है, जानते हो आप, कुछ नहीं होगा, सब जानते हैं आप, मुझे जानते नहीं है। मनोज जानता अच्छी तरह मुझे कि मेरी क्या वहाँ रेपुटेशन, मेरी पुलिस वाले मुझे खुद सैल्यूट मारते हैं वहाँ जाके। आपको जानता है मुझे, सब जानते हैं, अब नहीं जानते मनोज, अच्छे से जानते हैं मेरे बारे में। हाँ ये तो पुलिस वाले सैल्यूट मारते हैं मुझे। हेलो कौशिक एक सेकंड होल्ड करना सर, बंदूक हटाइए मेरे सर पे से। बात करो मेरे को। हेलो हाँ भाई। हाँ जी हाँ भाई, ये मनोज को डाल अंदर, बयान तो सारा मिल गया फोन पे। नहीं नहीं सुन मेरी बात सुन, ये दिनेश को कुछ समझा रहा था फोन लाइन पे है, ये असली है, वो तो इसके पीछे बैठा था। हेलो दिनेश, कैसे करे? अरे भाई ऐसे पाल रखे, ये भाई को तो उसके बाद। इतने ही बात सुनो आप समझाना मनोज को, देखो हमने क्राइम तो किया है, रूल तो तोड़ा है हमने, पुलिस वालों को सब करनी चाहिए, वो तो चलान देना ही पड़ेगा हमें, वो हम भाग गए, गलती हमारी थी, वो तो माफी मांगनी पड़ेगी पुलिस वालों से हमने। मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूँ मनोज को, आप ये समझाना मनोज, मतलब वो भी ड्यूटी कर रहे हैं बेचारे, जो भी है हमने रूल तोड़ा है तो हमें चलान भरना ही पड़ेगा। हेलो इज दैट मॉन्टी बली? हाँ जी बोल रहा हूँ। आई एम सो सॉरी मॉन्टी बली, मैं आपको इतनी जल्दी में कॉल करी, एक्चुअली बहुत प्रॉब्लम है, एंड दिनेश सेड कि ओनली यू कैन हेल्प मी अभी। दिनेश एक्चुअली आई एम अ मॉडल एंड आई वाज जस्ट कमिंग बैक, मेरा शूट खत्म हुआ था। हाँ जी। तो मैं आउटर रिंग रोड पर ही थी। हाँ। और मेरे बिल्कुल पीछे में एक गाड़ी थी, और मुझे दिख रहा था कि यू नो वो, और मैंने थोड़ा सा बस अभी तेज, ज्यादा ओवर स्पीड भी नहीं किया, जरा सा तेज किया, और इस बंदे ने मेरे बिल्कुल एक्सीडेंट कर दिया। और अब मैं बोल रही हूँ कि आप अपनी गलती मानिए, आपने पूरी मेरी गाड़ी में डेंट डाल दिए, तो ये बोल रहे हैं कि आप मैडम आपकी गलती है। बंदा कौन है? बिल्कुल अब मिडिल ऑफ द रोड में खड़ी हुई हूँ, मैं इनसे कह रही हूँ गलती मानिए, लोग भी नहीं मदद कर रहे हैं, सो अनॉयड। आई अंडरस्टैंड आई एम अ मॉडल, आई अंडरस्टैंड आई एम गुड लुकिंग, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप यू नो मेरी गाड़ी में आके स्क्रैच डाल देंगे, डेंट डाल देंगे, ऊपर से मान भी नहीं रहे हैं। नहीं ये तो साले हम बहन, अगर हम साले जरा सा दो दिन की चुप हो जाए ना बहन, मैं ना बातें कम करता हूँ, गोलियां ज्यादा चलाता हूँ, समझा दी ना? मेरा नाम ले लो,
हर जगह अभी सही हो जाएगा, मेरी बात किए बिना सही हो जाएगा बंदे ने। 15 मिनट से इनको कह रही हूँ कि यू प्लीज एडमिट कि आपने मेरी गाड़ी में डेंट डाला, मैं ये भी नहीं कह रही कि आप ठीक कराइए। ये अभी मैंने आना ना दो मिनट में ठीक हो जाना है। अभी ये बंदा जितना भी अपनी एकड़ी दिखा रहा है दिल्ली में बैंड साला, अभी आप बात कराओ, मेरी बात कराओ इससे। आप प्लीज इनसे बात करिए, मोंटी बल्ली जी से बदतमीज। हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ भाई बोलियो, कुछ मत सुन ले मेरी बात ढंग से, ठीक है भाई। मोंटी बल्ली बोल रहा हूँ। 2 मिनट में जो तूने अपनी गाड़ी पहले तो साइड ले ले, समझ आ गई ना? मैंने आ गया ना, मैंने मेरे राम लखन बोलने हैं, हाथ चलेगा मेरी टांग चलेगी, गोली चलेगी धाए धाए। तू चाहता है तेरे घर वाले माँ बाप से अफसोस करें, तेरे टांगे कट गई, तेरे टूट जाएंगे टांगे वांगे हैं, निकल ले बेटे, मैडम से बात कर, पैसे दे और तित्तर हो जा 2 मिनट में। लेकिन आप मेरी बात सुन, अच्छा मोंटी बल्ली बात कर रहा, बीच में क्या बोल रहा है? तेरे को बोल रहा ना सिर्फ सुनना है, पैसे देने, तित्तर होना है। मेरी बात मैं जो इनसे उस तरह लगा कभी तेरे गर्दन पे है? नहीं, तो लग जाना है, घुस जाना अंदर, चल चल तित्तर हो। और तू है कहाँ पे अभी? पुलिस चौकी। पहले ही पहुंच गया है? डर लग रहा था ना मोंटी बल्ली आएगा, गिरफ्तार पकड़ के खींच के लेके जाएगा वहां पे। पूरी रजोकरी में किसी भी पूछ ले मोंटी बल्ली क्या चीज है और कौन है, समझ आ गई? अरे ये पुलिस चौकी से बाहर कब निकलेगा तू? जब ड्यूटी खत्म होगी। ड्यूटी? हाँ जी। आप ड्यूटी करते हो? हाँ जी। आप पुलिस चौकी में ड्यूटी करते हो? हाँ जी। ये इनसे ना लड़कियों से अपना ये गाड़ी चलती वलती है नहीं, मैं समझाता हूँ, आप जरा उनको फोन दो। मैं फोन दे रहा हूँ भाई। यस मोंटी बल्ली, हाँ मैंने समझा दिया इसको, मैंने इसको बड़ा सॉरी सॉरी बोल रहा है, हाथ पैर जोड़ रहा है, पता नहीं देखो आप उधर रो रहा है क्या, आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगा, मोंटी बल्ली का पूरा नाम चलता है। 2 मिनट में प्रॉब्लम सॉल्व हो गई आपकी। नहीं मोंटी बल्ली, आप इन्हें और इसे और समझाइए, मैं इसे फोन दे रही है, इसके चेहरे पे जरा भी शर्म नहीं है। हेलो अंकल, बहुत डांटा मैंने इसको अभी, ठीक है मैंने उसको समझाया कि ऐसे थोड़ा गाड़ी चलानी होती है, आप जरा उनको जरा फिर से फोन दो, मैं पूरा डांटता हूँ आपका, पूरा मसला खत्म कर। हाँ जी मैडम बात करो। हाँ मोंटी बल्ली, अरे आप मैंने बहुत डांट दिया इसको, ठीक है आप इसको दूर ले जाओ, इसका रोना निकलाना है दुनिया के सामने सारा, आप चिंता ना करो, आपका काम पूरा हो गया। अभी भी बहुत गंदे तरीके से घूर रहा है, शर्म ही नहीं आ रही है इसके चेहरे पे। अभी भी घूर रहा है, कराओ मेरी बात कराओ। हेलो हेलो अंकल, जी। अंकल खत्म करते हैं बात को, बहुत डांट दिया मैंने उसको, कहीं रोना ना आ जाए उसको आपका सामने। ऊपर अभी मैंने बहुत डांटा उसको, ऊपर से मुझे कह रही है आपकी गलती है, मैंने कहा चुप कर, है उनकी गलती कैसे होगी अंकल की, खुद तो गाड़ी चलानी आती नहीं। अब एक बार जरा उसको फोन दे दो, मैं अभी खत्म कर देता। हाँ मोंटी बल्ली, अरे यार अब उसको समझाओ यार, हाथ जोड़ रहा है मेरे, बोले जा रहा है मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मत करो मत करो, अब अपना भी दिल है, अब कितना सुनाऊ उसको, फिर मेरा हाथ उठ जाएगा, मैं फिर वहाँ आ जाऊंगा तो फिर और रोना निकलाना है उसका, कहीं गाड़ी छोड़ा मैंने उसको, आप टेंशन ना लो, मोंटी बल्ली है ना, आप टेंशन ना लिया करो, ठीक है अभी बात मत कराना, अब उनसे हो गई है मेरी जितनी बात होनी थी, ठीक है। भैया व्हाइट कलर की इंडिका साइड में लगा भाई, व्हाइट कलर की इंडिका साइड में लगा भाई, साइड में लगा इसको, साइड बंद कर दे भाई, साइड में लगाओ इसको, दिल्ली पुलिस से बोल रहा हूँ भाई, साइड में कर इसे, पीछे पीछे जाम लगेगा, साइड में कर, साइड में कर, पीछे जाम लग रहा पूरा, एक बार साइड बंद कर दे कंट्रोल रूम से, ऐसे लाइट जला गाड़ी की, ऐसे घंटे नहीं करते, लाइट जला। हाँ भाई कैसे रे, लाल बत्ती क्रॉस करके जा रहा भाई, क्या कहाँ से बोल रहा हूँ, गाड़ी ने बंद कर दे, गाड़ी ने बंद कर दे, कहाँ से बोल रहा हूँ, दिल्ली पुलिस से बोल रहा हूँ, पीछे हाँ बंद कर दी ना सर, कहाँ से बोल रहा हूँ आप तो दिख भी नहीं रहे भाई, दिल्ली पुलिस से बोल रहा हूँ, पीछे गाड़ी, पीछे लाल बत्ती क्रॉस करी तूने, लाल बत्ती कहाँ क्रॉस की मैंने, तूने अभी लाल बत्ती क्रॉस नहीं करी, यहाँ का यही सा चलान भेज दे कंट्रोल पुलिस से, रोता फिरेगा पूरी उम्र। हाँ भाई जा एक काम कर, गाड़ी नंबर DL3S। अरे नहीं सर बात तो सुनो आप मेरी, हाँ मैंने कोई लाल बत्ती क्रॉस नहीं की, वो तो एक घंटे पहले वाली कह रहा हूँ मैं, आपने कैसे देख लिया सारे यहाँ पे, जहाँ पे तू डीएनडी होके गया उसके बाद मूलचंद की तरफ गया है, मैं बताऊँ ना, मैं जैसे पहुँचा था ना सर, हाँ वो येलो हो गई, वो देख नहीं पाया, बस निकल गया बस। भाई तने एक बात बताऊँ, अगर झूठ बोलेगा ना यहाँ से सारी कार्रवाई खत्म कर दी तो कर दी,
वरना तेरे पापा के बस की नहीं है ये चलान छुड़वाने और गाड़ी छुड़वानी। दो मिनट में गाड़ी आ रही है, यहाँ से सारे देख रहा हूँ मैं, समझ गए। एडवांस कैमरे लगा रखे, तेरे को पता नहीं है एडवांस कैमरे लगा रखे, स्पीड पकड़ लेते हैं। समझ गया सर, लेकिन अब छोड़िए ना, खत्म करिए। खत्म कैसे कर, खत्म कैसे करे सर, वो तो आप ही बत्ती क्रॉस करके गया तू पीछे है। हो गया सर, ये गलती हो गई, अब बताइए हर जाना जो बता दीजिए। हर जाना लाइसेंस दिखा भाई, लाइसेंस दिखा। लाइसेंस फोन पे कैसे दिखा इधर दिखा, अभी मैं यहीं से गोली मरवा दूंगा, बता रहा हूँ। पूरी गाड़ी जब्त हो जाएगी, कटवा दूंगा गाड़ी को, बता रहा हूँ मैं। तो सर मैं दिखाऊं कैसे, माल खाने में भी नहीं मिलेगी गाड़ी, ऐसी कटवाऊंगा, समझ गया। मतलब पुलिस वाले को लाइसेंस नहीं दिखाएगा तू? एक मिनट रुको, मैं निकाल लेता हूँ सर, एक मिनट रुको। लाइसेंस कैसे दिखाऊं, मेरे से मैंने पूछ रहा लाइसेंस कैसे दिखाऊं, वैसे तेरे निकाल लिया सर, दिखाओ काल के क्या हो रहा, कैसे दिखा दूं आपको, आप ये तो बता दो, आप फोन पर हो, मैं दिखाऊं कैसे। मेरे पास स्पीडोमीटर के पास लाइसेंस रख, एक मिनट रुको, ये रख लिया, उल्टा रखा तूने, सॉरी रुक जा, तेरे ही नाम है ये फोटो और तेरा नाम है सर। हंसते भी क्यों खिंचवाया था फोटो तूने? नहीं सर, वो फ्रेंड खड़ा हुआ था सामने जो फोटो खिंच रहा था। आरसी दे भाई, गाड़ी के कागजात निकालो भाई, लगा दो उतर उतर, तेरा तेरा दिमाग तो खराब ना है, गाड़ी कटवा दूंगा, बता रहा हूँ मैं। लाइसेंस आपने अभी तो नहीं, तो गाड़ी का कागजात भी तो वही लगाएगा, आप बता दीजिए। गाड़ी का कागजात निकाल, निकाल रखे मेरे हाथ में। एक काम कर, सीट के ऊपर से थोड़ा सा उठ, अरे थोड़ा सा उठ जा सीट के ऊपर से, सीट बेल्ट खोल के उठ गया, गाड़ी के सीट के ऊपर रख, जिस सीट पे तू बैठा था उस सीट पे ये आरसी रख, वही रख दिया, आरसी के ऊपर बैठ, आरसी के ऊपर बैठ जा सर, बैठ गया, बैठ गया, सही से बैठ, इसके ऊपर बैठ के और ऐसे से हिल, जैसे ऐसे से हिलते ना इधर, लेफ्ट टू राइट हिलता रहे, नीचे आरसी होनी चाहिए सर। आई एम सॉरी, क्या कर रहे हो आप? जीरोक्स कॉपी लेनी है ना एक आरसी की, तो हिलता रहे, जीरोक्स ले रहा हूँ मैं। सारे दिमाग खराब कर रहा हूँ, अब पागल बन रहा हूँ, वो मुर्ख बन रहा हूँ, आप बन भी गयो। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? बड़े प्यारे इंसान हो तुम, नवेद बोल रहा हूँ, रेडियो मिर्ची से मुर्गा बनाना था तुम्हारा। एक काम करो, पहले तो नीचे से कॉपी निकाल लो, मुझे जीरोक्स मिल गया है, कहीं ऐसा ना हो कि वो हेमंत रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे तुम्हारे ऑफिस वालों ने मिलकर नंबर दिया था कि तुम्हारा मुर्गा भाई मेरे साथ प्यार से बोल दो आप जरा कुकू टुकू। ये कनॉट प्लेस में पार्क में एक बैग मिला है जिसमें 25,000 रुपए कैश है, आपका है क्या ये? नहीं मेरा नहीं है। हेलो, ये भाई साहब कनॉट प्लेस से बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे कनॉट प्लेस के पार्क में 25,000 रुपए एक बैग में मिले हैं कैश, आपका है क्या बैग? नहीं 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 मेरा नहीं है। ये भाई साहब मैं कनॉट प्लेस के पार्क से बोल रहा हूँ, ये पार्क में एक बैग मिला है 25,000 रुपए कैश है इसमें, आपका है क्या ये? हेलो भाई साहब। हाँ जी सर, हाँ बैग, जी हाँ सर मेरा ही है वो। ओहो, मतलब कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा है सर, मतलब पूरे घर में इस बैग की वजह से बखेड़ा खड़ा हुआ है। थैंक यू सो मच, आपने फोन कर दिया सर। नहीं, मैंने अभी यहाँ पे देखा है, मैंने कहा था इसमें ना पर्ची भी पड़ी हुई थी, कई सारे मतलब नंबर भी थे, मैंने आपको भी डायल किया, ये आप ही का बैग है ये? हाँ सर मेरा ही बैग है सर जी। अरे हाँ संदेह, बैग मिल गया, फोन है वहाँ से। हेलो, मैंने यही देखा, मैंने कहा 25,000 रुपए कैश है यार इसमें, ऐसे खुला पड़ा हुआ है, मतलब आज ही बैंक से पैसे निकलवाए थे और मैं मतलब दिमाग से निकल गया कि कहाँ है कहाँ है, अभी याद आया आपकी फोन करने पे कि मैं पार्क में भी गया था, तो हो सकता है वहीं छूट गया हो। हाँ वही, वो खुला पड़ा हुआ है बैग, ये ब्लैक कलर का बैग है ना? हाँ हाँ ब्लैक कलर का है, लेदर का होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेदर का तो नहीं, प्लास्टिक का था, प्लास्टिक का। अरे हाँ सुन रही हो, मैं प्लास्टिक का बैग लेके गया था क्या? हाँ सर अभी बताया बीवी ने, प्लास्टिक का ही ले गया था मैं, ब्लैक कलर का। ब्लैक कलर का प्लास्टिक का, आप ही का है ना? जी जी। आर यू श्योर आपका है? ब्लैक कलर का प्लास्टिक का बैग है और 25,000 रुपए कैश है उसमें। हाँ बिल्कुल, आप ही का है, सुबह ही निकाले थे। हाँ आप ही का है ना? 25,000 रुपए के लिए मैं झूठ क्या? नहीं देना तो मत दो, बार बार एक ही बात पूछे जा रहे हो आप। नहीं मतलब आप ही का है ना? मेरा ही है, कितनी बार कहूँ। और इसके बराबर में जो लाश पड़ी है ये किसकी है? मैं कॉन्स्टेबल धीर पार बोल रहा हूँ कनॉट प्लेस इलाके से, यहाँ पे अभी हम आए हैं, यहाँ पे पार्क में हमने छावनी डांस बना रखी है पूरी, पार्क में हमने देखा है एक बैग पड़ा जिसमें 25,000 रुपए कैश है और एक लाश पड़ी हुई है, लाश की हालत इतनी खराब है मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकता, 25,000 रुपए कैश है बराबर में लाश है, ये किसकी है सर? कौन से रंग का ब्लैक मतलब बैग बताया आपने?
भाई ब्लैक कलर का बैग अभी तूने बोला है ना? नहीं सर, मेरा थोड़ा लाइट ब्लैक था। तो ये भी तो लाइट ब्लैक है। एक सेकंड, अरे ये कॉल रिकॉर्ड कर रहे हैं, तूने अभी खुद बताया बैग मारा है, बैग मेरा, मैंने 5 दफा पूरे, तूने खुद मेरा अपनी वाइफ से भी कंफर्म किया है। भाई यहाँ पे आओ और ये पुलिस वाले और आ रहे हैं, पूरा बयान दो, बैग किसका है, लाश किसकी है, सारी बात बताओ, वरना हम आएंगे आपके पास, ठीक है? अरे दीपाल, इन्होंने कबूल किया है कि इनका बैग है। हेलो सर, सॉरी सर। ये अभी तूने कहा, ये क्यों कहा फिर बैग मारा है? सर वो सर हमें बैग जमा करना पसंद है सर। भाई बैग जमा करना पसंद है तो ये वाला क्यों? सर वो ब्लैक ज्यादा अच्छे लगते हैं सर। भाई बुरे काम का बुरा नतीजा है, इसलिए कहता हूँ लालच करना बंद करो, आप रोना बंद करो। मैं धीरपाल नहीं बोल रहा हूँ, नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। हाँ मैं आपको ये कह सकता हूँ कि भाई मैंने आपका दिल दुखाया है, लेकिन ये बताना चाहता हूँ कि लालच नहीं होना चाहिए इंसान में। इंसान में जिस दिन लालच बढ़ जाएगा वो जिंदगी तबाह हो जाएगी, लालची आदमी का कोई नहीं होता सर। हेलो हंस रहा है, बदतमीज, हंस कैसे रहा है, बेगैरत इंसान, मेरा बैग है, लालच किसकी है? हेलो ये भाई DL3C66 White Wagoner आपकी है? मेरी गाड़ी है, बोलो। भाई एक बात बता, ITO से जब यमुना बैंक की तरफ जाते हैं, यहाँ पे लालवती क्रॉस करी थी? भाई लालवती क्रॉस करी थी 4:30 बजे शनिवार को, सैटरडे को 4:30 बजे क्रॉस करी थी। सर मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं ऐसा करता नहीं हूँ वैसे, उस दिन मतलब थोड़े से ना रीजन थे इसलिए हुए। वैसे भाई तो मैं मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, यहाँ पे ITO 4:30 बजे यमुना बैंक की तरफ जाती है, ये क्रॉस करी थी नहीं करी थी? सर मैं बोल रहा हूँ मैंने करी थी, हमेशा सीट बेल्ट लगा के चलनी चाहिए। सर मैं तो खुद ऐसे रूल्स को पूरा मानता हूँ, मगर मैंने कभी और नहीं करी है, उस दिन थोड़ी गलती हो गई मेरे से वैसे तो, पर कभी मैंने पहले भी नहीं करी आगे से तो। नहीं भाई ये बता, उस दिन 4:30 बजे जब लाल बत्ती हो रही थी तो आगे की तरफ गया था, मतलब लाल बत्ती नहीं देखी कि भाई लाल बत्ती हो रही है, इस पे रुकने को कहा जाता है, तेरे को लगा इस पे चलने को कहा जाता है, बत्ती की कोई औकात है नहीं है? भाई ये बता, बत्ती की कोई औकात है नहीं है? नहीं सर बिल्कुल है, पर उस दिन तबीयत खराब थी मेरी तो सर वैसे मैं नहीं करता कभी ऐसा। फिर यही है ना, मोटे मोटे चलान कटते हैं। आपको बता देता हूँ, थोड़ी मेरी तबीयत खराब थी, मेरा ना पेट थोड़ा सा खराब था, इसलिए जल्दबाजी में मैंने कर दी होगी जम सर, वरना मैं तो खुद भी नहीं करता हूँ और मैं दूसरों को भी बोलता हूँ मत करा करो। भाई एक बात बता, जब तेरे को पता है कि लाल बत्ती पे रुकना होता है, क्रॉस कर दी? सर सर प्लीज सर मेरी बात आप समझो, मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ स्टूडेंट हूँ, मैं ऐसा कभी करता ही नहीं हूँ, आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे हैं। मतलब लाल बत्ती जो लगा रखी है तेरे को लगा, भाई तेरे को लगा क्रॉस कर दो इसको है? नहीं सर आप प्लीज मेरी बात समझो सर, मैं उस दिन थोड़ी मेरी मम्मी की भी तबीयत थोड़ी सी खराब सी चल रही थी सर, मैं तो वरना कभी कभी सपने में भी ना करूँ रेड लाइट क्रॉस, आपको पता है कितनी लंबी चलती है वो, 3 मिनट की होती है, छोड़ दो बात को, देख लो कुछ ले दे के अगर हो तो। सर मैं क्या बोलूँ प्लीज सर, मैं मतलब ये है तेरे को ये नहीं लगा कि यार रुकना चाहिए रेड लाइट पे? सर देख लीजिए ना, अब आप कुछ कर सकते हैं तो सर। मैं क्या कर सकता हूँ भाई, पुलिस वालों से बात कर, ट्रैफिक पुलिस वालों से, उनसे बात कर, उन्हें चलान देना पड़ेगा तेरे को। सर तो आपसे बोल तो रहा हूँ मैं। मेरे से क्यों बोल रहा है भाई? सर आप ट्रैफिक पुलिस ही तो बोल रहे हो, कौन बोल रहे हो? मैं ट्रैफिक पुलिस थोड़ी बोल रहा हूँ भाई, मेरे को तो ये कहीं से पता चला, एक मेरा दोस्त है उसने कहीं जिक्र हो रहा था, तो शादी में गए थे हम, तो उसने बताया भाई आशीष ने ट्रैफिक लाइट जम करी है। यार मैं बताऊं तेरे को, ये 6 महीने पहले मैंने भी करी थी, मेरे को पैसे देने पड़े, चलान भरने ही पड़ा था, तो आप भी ना इसको दे देना, इसको मतलब ये है अपना जितना अच्छा होता है ना इसको निकाल दो यार, मतलब फिर आदमी टेंशन में रहे। आपने किसी पुलिस वाले से बात करो, उससे पूछो कि भाई कहाँ पैसे दें, गलती हुई है, गलती तो माननी पड़ेगी, मतलब बच ही नहीं सकते ना। मैंने भी बड़ी कोशिश करी थी कि बच जाए लेकिन नहीं होता यार, मैं इसलिए फोन कर रहा था आपसे कि आप भी दे देना इनका चलान।
तो पुलिस वाले नहीं बोल रहा? नहीं मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, मेरे को तो पता चला था। मैंने कहा यार मेरे साथ भी हुआ है, आपको बता दूँ मैं। अबे तो मेरा टाइम क्या खराब करा बहन साले, मेरी बताने के तुमने फोन किया दिख रहा हूँ मैं तेरे को, मैंने ट्रैफिक लाइट जम करी हो, मैंने ट्रैफिक लाइट जम करी हो, मेरे को तो फोन करे बना रहा साले। हेलो। हाँ भाई वैज बाब, बैंक के रिकवरी डिपार्टमेंट ने हमें फोन किया था, मैं कांस्टेबल उद्धम प्रताप सिंह बोल रहा हूँ, सुन ले मेरी बात। अगर तूने दो दिन के अंदर बैंक के पैसे वापस नहीं दिया, पीसीआर आएगी यहाँ पे लेके आएंगे, फिर पछताइयो मत। मुझे 5 मिनट में कॉल। 5 मिनट? अरे तेरे 5 महीने से रोक रहे हैं सब। देख मेरी बात सुन ले, तूने अगर फोन काट दिया ना तो कंट्रोल रूम से डायरेक्ट कॉल कनेक्ट है, पीसीएम से तेरे को पकड़ के हम कहीं भी धरोड़ लेंगे। थोड़ी देर में कर। अरे थोड़ी देर में काय को कर लूं भाई, सर मैं कॉल कर लेता हूं। अरे काय को कॉल कर रहे हैं, अभी क्या कर रहा है, अभी तू क्या मीटिंग में बैठा है? बात समझिए, बैठा गाय को झूठ बोल रहा, बहाने मत लगा, ये बता पैसे कब पहुंच जाएंगे? सर मुझे क्या दिक्कत? तो पुलिस वाले से झूठ बोलेगा कि टॉयलेट में बैठा तू, मैं कैसे यकीन कर लूँ? आपको आवाज से नहीं पता लग रहा क्या? मेरे को यकीन नहीं आ रहा तो मैं पीसीआर भेजूँ, ठीक है? एक सेकंड आप ये सुनिए। ना भाई मुझे यकीन ना आ रहा बात में, मैं एक बात बता रहा हूँ, इतनी तगड़ी पेनल्टी पड़ जाएगी ना जिंदगी भर याद रखेगा। सर मैं आपके पैसे दे दूंगा, बहुत बड़े बड़े देखे मैंने, और झूठ मत बोले, फोन काट दियो, 2 मिनट पीसीआर तेरे घर पे। मेरे पास गाड़ी लेके जाए, जाके पीसीआर उठा के ला लौटा। सर आपको बदबू नहीं आ रही? प्लीज मेरा विश्वास, टॉयलेट में। भाई सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पे आ रहा, तू झूठ बोल रहा टॉयलेट में बैठा। सर एक सेकंड, सर मैं माँ कसम खा के बता रहा हूँ, सर टॉयलेट में जरा प्लीज मुझे 5 मिनट में घर लो यार। भाई यादव जी, आपसे निवेदन है अंडर गार्मेंट्स सेल। हाँ जी, ये इसमें रहते हो आप? जी जी किया है। आपके पास एक नोटिस आया था कि अंडर गार्मेंट्स बालकनी में नहीं टांगने? जी 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 अंडर गार्मेंट्स भाई। हेलो, इसका इससे फ्लैश का नंबर लिखवाइए भाई। जब आपको मना कर रखा है कि अंडर गार्मेंट्स नहीं टांगने, पूरी ये सोसाइटी ने एक रूल बना रखा है, तो क्यों टांगा भाई? हाँ भाई उसको ये वर्मा जी के दो अंडर गार्मेंट्स दिखे, 1 लाख का बिल बना उनका। मेरे को गार्मेंट्स नहीं है, मेरे अंडर गार्मेंट्स नहीं है भाई। तेरे अंडर गार्मेंट्स नहीं है ये? नहीं नहीं मेरे नहीं है। एक सेकेंड, ये 202 सेकंड फ्लोर किसकी बालकनी है? ये मेरी है। ये अंडर गार्मेंट्स किसके हैं? कच्चा टंग रहा है क्या सर? और क्या टंग रहा भाई यहाँ पे? नहीं नहीं तो मेरे कच्चे नहीं है जी ये। भाई किसके हैं ये? वर्मा जी कहूँगा, वर्मा जी। एक सेकंड रोक, एक सेकंड रोक। हाँ भाई अनाउंसमेंट वाले, जरा वर्मा जी को बोला उधर को बात करा इनसे। वर्मा जी का, वर्मा जी का अनाउंसमेंट, वर्मा जी से आ रहे हैं, इनसे बात करें, इनके कच्चे हैं ये। हाँ वर्मा जी को बोला। हेलो जनाब, हेलो हेलो जनाब। हाँ बोलो भाई। जनाब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, ये कच्चे किस रंग के बताइए भाई? ये दो कच्चे हैं, सफेद और नीली धारी है। जनाब ये गुप्ता जी के होंगे या सैगल साहब के होंगे? सैगल साहब के। एक सेकंड रुक गया भाई, सैगल साहब खड़े हैं क्या वहाँ पे? जनाब जनाब कच्चे मेरे नहीं है, किसी की भी हो सकते हैं। तो फिर ये भाई तेरी बालकनी में जो कच्चे हैं, जो सोसाइटी में, वैसे भी आ सकते हैं ना, किसी का कच्चा आदमी, मेरे कच्चे नहीं, मैंने कच्चे नहीं, मैं कच्चे नहीं पहनता हूँ भाई। कच्चे नहीं पहनता भाई, इसका फोटो लो और जरा देखो किसके कच्चे बन रहे हैं। ये 202 के किसका भी कच्चा है? 202 का 50,000 का बिल बना भाई। जनाब हेलो जनाब। हाँ बोल भाई। ये बताइए कच्चे लेडीज है या जेंट्स है? कच्चा जेंट्स है। जनाब मैं तो कच्चा पहनता ही नहीं। कच्चा क्यों नहीं पहनता भाई? पहनते में जो खुजली होती है मेरे, मतलब मोटी टांगे तो उसमें खुजली होती है। तो 50,000 रुपए पर कच्चे के हिसाब से यहाँ पे रूल आ गया है, पूरे नोएडा का ही रूल है तेरा क्या है? जनाब मैं कच्चे पहनते नहीं, मैं कच्चे नहीं पहनता यार। मैं कैसे मान लूं तेरे कच्चे नहीं है भाई? आप मेरी मिसेज से पूछ लीजिएगा, एक बार मैंने मोटा कच्चा पहन लिया था, हम खुजली हो गई थी, बहुत खुजली हुई, फुंसी निकल गई। जिनकी सोसाइटी में अंडर गार्मेंट दिख रहे हैं उनको 50,000 की पेनल्टी है। लगा भाई 202 पे 50,000 का लगा। हेलो हेलो जनाब। हाँ बोल भाई। मेरे छोटे छोटे मेरे कच्चे हैं, सॉरी मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जनाब। आप ये काम कर रहे हो, पर मेरा कच्चे नहीं, कोई मुझसे ये बात ठीक नहीं है बालकनी में कच्चे टांगना, जब तक तेरे को पेनल्टी नहीं लगेगी बच्चे कैसे सीखेंगे? लगा भाई 50,000 का। मेरी बात, कच्चे कैसे रंग के हैं वो? कच्चा है सफेद रंग का कच्चा है, नीली धारी है। मेरी समझ में आ गया किसका कच्चा है। किसका कच्चा है ये? ये सामने गिरी साहब रहते हैं, ये उनका कच्चा है। भाई ऐसे दूसरे पे इल्जाम क्यों लगा रहा है? उसका घर सामने है तेरे गिरी साहब के, उड़ के भी नहीं आ सकता, कैसे है? तो यार बहुत कमीन आदमी है ये, इतना कमीन आदमी है कि अपने कच्चे पहनता और दूसरे की बालकनी को सुखाता है। अच्छा ये गिरी का कच्चा है? पक्का भाई, तूने कभी गिरी के भाई से बात करी है? मैंने गिरी के भाई से बात करी है। मैं रुक जा गिरी के भाई से बुला रहा हूँ। देख अगर हाँ सुन तू फंस गया तो तेरे को देने पड़ेंगे 50,000, वरना गिरी देगा। गिरी के भाई से बात, उसको गिरी का भाई आ रहा है। हेलो हेलो
ये आप क्यों झूठ बोल रहे हो कि भैया का झूठा भाई बोल रहा हूँ, ये कच्चे आपके तो है। तुम्हारा भाई ऐसे ही करता है, कच्चे का और फैलाता, उन्होंने पहले भी ऐसे किया। आप कच्चा गिरेगा, मैं तो ऐसे कच्चा पहनते नहीं हूँ, भैया कच्चों का मुझे पता है भैया कच्चा। तो आप जो कह रहे हो बताना, कोई गिरी भैया की कच्चे की पहचान जो इतने तोड़ी में आ रहे हो? सफेद और नीली धारी गिरी का कच्चा, वो गिरी का पक्का उसी कच्चा में पहले भी पकड़ा गया। वो सफेद और नीली धारी का कच्चा पहनते नहीं गिरी भैया सर, और बोल रहा हूँ। और आप 50,000 रुपए मुझे फंसवा रहे हो, आपको शर्म नहीं आ रही? आप मुझे फंसवा रहे हो? नहीं तो आप भी तो हमको फंसवा रहे हो ना। आप दूसरे घर पे कच्चे फलवा नीले पीले हरे नीले आप कच्चे पहनते हो, अजीब 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 रंग के कच्चे पहनते हो, और आप दूसरों को फलाते हो, आपको शर्म नहीं आती? दूसरे वो मुश्किल मुझे फोन करे बार बार, पहले से पहनते नीले पीले कच्चे पहन के अभी घूमते हैं अपने लॉन में, अभी घूमते रहते हैं घर के लेडीज देखते हैं कैसे कच्चे पहन रहे हैं, उनके सब पूरी पूरी सोसाइटी में उनके कच्चे देखे हैं। आप कैसे कच्चे नहीं देखे? कच्चा भाई तेरा है, क्यों झूठ बोल रहा है? जनाब कच्चा मेरा नहीं, जनाब मैं पहनते नहीं कच्चा। क्यों नहीं पहनता? खुजली जनाब बताया तो मेरे खुजली होती, मोटी टांगे वो सब वो फल जाते हैं, वो जंगल से होते हैं, उनमें खुजली होने लगती बहुत ज्यादा, मुझे भी रिच गार्ड वगैरह खरीदना पड़ता है, जनाब मैं पहनते नहीं कच्चा कभी। मतलब तू बिना कच्चे के जा रहा है जहाँ भी जा रहा है? जी जनाब जी, मैं कच्चा नहीं पहनता हूँ। कच्चा तुम्हारा है लेकिन रेड नहीं पड़ी है, ये तो मेरे को किसी ने बताया था कि आप बाज नहीं आ रहे और सोसाइटी में कच्चे टांगते हो, और आपके पड़ोसी बड़े परेशान है। आपके एक पड़ोसी है, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, बेकार में उनका कच्चा बच्चा बनाओगे आप, उन्होंने आपका नंबर दिया था, ये कहते हैं इसका मुर्गा बना दो। रेडियो मिर्ची से दिल्ली का डॉन बोल रहा हूँ, यादव जी नवेद। लेकिन एक बात बताओ भाई, कच्चा वाकई में नहीं पहनते क्या? मतलब अब समझो बात को, ऐसा नहीं है, मेरे पास एक कच्चा है, तो कभी मैं जब पहनता हूँ शादी वगैरह में तब तब पहनता हूँ उसको। हेलो, एक पंकज। हाँ क्या हुआ? पंकज वीडियो लैब से बोल रहा हूँ। हाँ कौन बोल रहे हैं? बातें हो ना, आप मूवीज लेने? हाँ हाँ बोलो। मूवीज आई हुई है वो वाली देखोगे? कौन सी आई है? मडोना की देखनी आई है? ना भाई मडोना नहीं देखी हुई है मैंने। जेलो? ना जेलो की मेरे दो पड़ी हैं। सनी की आई है, नया प्रिंट है। नया प्रिंट? नया प्रिंट है। अच्छा सुन 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 सुन, बिल्कुल नया प्रिंट है। अच्छा बताओ, ये बिल्कुल अनएडिटेड है ना? बिल्कुल अनएडिटेड है। कितनी लंबी है? 2 घंटे 40 मिनट की है। सुन प्रिंट अच्छा है ना, स्टोरी लाइन कैसी है? एक डायलॉग सुना रहा हूँ वही देख के तू हिल जाएगा। रुक एक सेकेंड, बोल कर मुझे बाहर आता हूँ, एक बार एक मिनट रुका। अरे इतना मारूंगा तेरी मशाल दे दूंगा, ठीक है? क्या दिखा रहा है? पुलिस आ गई, पुलिस आ गई, पुलिस आ गई। पगल पगल पगल, रेड मार सब, रेड मार, रेड मार। और देख फोन पे है कोई? फोन पे नंबर आ गया या को पूरी कॉलर आईडी समेत। भाई तूने अगर नंबर काट दिया ना फोन का, घर पे पहुंच जाएगी तेरे पुलिस। हेलो भाई कौन है वहाँ? सर हाँ भाई पंकज, तेरे को तेरी वीडियो लाइब्रेरी अब मैं बनाऊंगा। भाई तेरे को कौन सी फिल्म चाहिए थी? अरे वो सर जो है ना अपने सनी बाजी, सनी देओल जी की। सनी देओल की फिल्म क्यों ले रहा भाई तू? वो फैन हूँ सर मैं सनी देओल का। कौन सी फिल्म लूँ तेरे सनी देओल की? चल मैं जो सही आदमी उनको फिल्म दे दे भाई को। सर लगान भेज दो। लगान में कब है भाई सनी देओल? कौन सी चाहिए भाई? तेरे जूते पड़ेंगे इसमें, कब है भाई सनी देओल? तू फैन बन रहा है उनका? सर वो हम दिल दे चुके सनम होगी सर, वो दे दो। सर सर हेलो रविंदर जी, टूर एंड ट्रैवल से बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलो। आपका पैकेज बन गया था, क्या प्रॉब्लम थी? मैं वो बता रहे थे आपको, अब गुस्सा आ गया, क्या हमसे क्या गलती होगी रविंदर जी? यार मुझे एक बात बताओ, मेरे को तुमने जो ऑफर दिया है वो 70,000 रुपए का दिया है। मैंने एक और टूर्स एंड ट्रैवल एजेंट वालों से बात की है, उन्होंने मेरे को 20,000 कम वो मेरे को 50,000 में बना के दे रहे हैं, तो मैं तुमसे क्यों करवाऊंगा? हम किसी से गलत कर सकते हैं? तुम्हारा कहने का मतलब है वो गलत कर रहे हैं। सर कोई गलती हो गई है तो आपका सर मेरा जूता। बता तू मुझे, जब वो मुझे 20,000 रुपए कम में दे रहे हैं तो मैं तेरे ट्रैवल एजेंसी से क्यों करवाऊँ? मैं उससे करवाऊंगा? जब हम नॉर्मल इंसान को नहीं लूटते किसी पैकेज में, एक मतलब पुलिस महकमे के आदमी को लूटेंगे? मेरे से छोटे को बात तेरे लूटने वाली नहीं है कि तू लूट रहा है नहीं लूट रहा, तो तू मुझे 70,000 का पैकेज बना के दे रहा है और वो मेरे को 50,000 का पैकेज बना के दे रहा है, तो मैं सीधी बात है ना उससे कराऊंगा। तू एक काम कर, इसको कैंसिल कर दे। अब कैंसिल कर देंगे तो आपके सारे पैसे गुल वो भी। अरे तू ऐसे पैसे खा जाएगा क्या? तेरे को लगता है क्या सरकार? तो तू मेरे को 50,000 से अच्छी डील दे दे, मैं तेरे से करवा लेता हूँ। मेरे को कोई दुश्मनी थोड़ी है तेरे से कि मैं तेरे से नहीं करवाऊंगा। मैं सबसे पहले तो अपने छोटू की वजह से क्षमा मांगूंगा। आपने आपसे बात करी थी कल, उसको पता नहीं था आप पुलिस में। वैसे मैं वो कौन सा
थाने में यहाँ पे थाने में। अच्छा यहाँ पे सर आप जैसे इंसान से हम मतलब धोखाधड़ी करेंगे, आप खुद सोचो। तो मेरे को 20,000 रुपए जब सस्ता दे रहा है तो तू मुझे बना रहा है, तू मेरे से पैसे खा रहा है, 20,000 रुपए खा रहा है, वो 20,000 रुपए कम क्यों दे रहा है सर मेरे को? अच्छा, ये कि उसके कोई न्यारी फ्लाइट चल रही है काम करता हूँ या उसका कोई बातचीत है उस कंट्री से या ऐसा कुछ और है तो बात नहीं। कंट्री सर थाईलैंड से कोई बात नहीं है, आपको थाईलैंड जाना है मेरे को पता है, थाईलैंड जाना है पता है, आप पुलिस में हो पता ही तो नहीं है ना तेरे को, तभी तो तू पकड़ू मैं कान पकड़ू तेरे कान पकड़ने से मेरे को वो 20,000 रुपए सस्ता कर देगा क्या? अच्छा सर मेरी बात सुनिए, आपको वो 10,000 सस्ता दे रहा है ना, मैं सॉफ्टवेयर अभी खोलता हूँ, रुकिए रुकिए। तो इस सॉफ्टवेयर में वो क्या आपको डिस्काउंट देगा? इस सॉफ्टवेयर में अगर जल्दी से जल्दी 5 मिनट में आपकी दोबारा सारी एंट्री भेज दूंगा ना, जो 70,000 आपसे चार्ज कर रहे हैं ना, मैं आपको बताऊं हम आपसे सिर्फ 12,000 रुपए लेंगे, हम आपको ये 50,000 वापस कर देंगे। तो ये बात मेरे को पहले क्यों नहीं बताई, सब क्या मरवा रहा था सर? सर अब भी आप बाद मेरे पे चिल्लाओगे तो टाइम निकल जाएगा, वो एंट्री करनी होती है गलीलियों में। रोकिए राज नाम क्या आपका? नाम भी मैं बताऊंगा, सारी एंट्री दे दी। रुक जाइए सर, रविंदर जाना है। ओ यार 1.5 मिनट रह गया, 1.5 मिनट रह गया, 1 सेकंड। जाना कहाँ है? थाईलैंड। ओ यार 80 सेकंड, 1 सेकंड। थाईलैंड रिटर्न कब कब है? जल्दी कर ले, जब 5 मिनट खत्म हो जाए सारी डील खत्म हो जाएगी। 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड रिटर्न रिटर्न कब कब था कुछ याद है? रिटर्न जल्दी रिटर्न 28 रिटर्न। ओ 14 सेकंड 14 सेकंड 1 सेकंड मेरे हाथ में चल रहे। ओ हो गया रविंदर जी टाइम खत्म, वो उसने दिखा दिया नो एक्सेस टाइम। तो अपना ऐसा है कि इतने पैसे मैंने को दिए हुए हैं ना, उनकी ना एक बार बत्ती बना के अपनी डाल लियो और मेरे को घर पहुंचा दियो कल पैसे। बुरा लग रहा है आपको? बुरा लग रहा है भैंस बिलुआ, इतनी धीरे तू काम कर रहा है, घर वाला वहाँ कुर्सी पे बैठ के सो, तेरे को मैं कैंसिल करवाता हूँ। नाम बता, नाम भी लिखो और ये भी सोचो। बस एक रिक्वेस्ट है, मैंने कितनी देर लगा दी ना अभी आपके सॉफ्टवेयर की डिटेल भरने में, देर लगाई ना सर? आप भी FIR लिखने में देर मत किया करो। इस दिल्ली में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ देर के चक्कर में पछताते हैं सर। सर आप भी देर मत किया करो। रेडियो मिर्ची से सर मैं दिल्ली का डॉन बोल रहा हूँ, नवेद बोल रहा हूँ, और मेरे को किसी ने बताया पुलिस महकमे के एक हमारे भाई हैं जो थाईलैंड जाना चाहते। हम आपसे मोहब्बत करते हैं सर, लेकिन आप FIR लिखने में देर मत किया करो। आपके तो देर की वजह से सर 50,000 जो कि कहीं नहीं गए, वो तो मजाक कर रहा था, किसी की जिंदगी चली जाती है सर, देर मत किया करो ठीक है। पूरी दिल्ली की तरफ से आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, सिर्फ एहसास दिलाने के लिए कि सर देर मत करा करिए। आई एम सो सॉरी अगर बुरा लगा हो, लेकिन ठीक है यार कोई बात नहीं, ठीक है मैं फोन रख रहा हूँ, मुझे बात ही नहीं कर। हेलो